शेमारू कॉमेडी से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। रंगीले, तूने नमक नहीं खरीदा? भूल गया। अभी खाना कैसे पकाएंगे? सब लोग खाओ अभी बिना नमक के, मेरे को क्या करने का है? ए, ले रे। ए, खाली नमक चाहिए ना? हाँ। अभी लाके देता हूँ। जल्दी से लाके दे। बेंजी, थोड़ा सा नमक, वो लाना भूल गया। चाय रखिए। हाँ। थैंक यू। तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त। अरे ऐसी मस्त चीज खड़ी है रे किचन में। काम कर, पानी उबाल। मस्त बंदर क्या जाने आता है। ये लो। कचरा कितना है। तेरी माँ बहने नाती है, वहाँ झांकने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? मैं तो प्याज लेने आया था। प्याज बाथरूम में? नहीं, इसको घर में किसने घुसने दिया? खाना पकाने के लिए। अब मैं उसको पकाता हूँ। कुत्ते, राम सादे, राम सादा साला, आज तेरे माँ का रुख साले, दूसरी बार यहाँ आया तो तेरी टांग तोड़ दूंगा कमीने साले। रुक, क्या हुआ? पूरा दिन खाना नहीं खाया सबने। क्यों? वो हिडिम्बा के पति ने मार मार के सबको बाहर फेंक दिया और खाने के अंदर घासलेट का पूरा डब्बा भी उलट दिया। भाऊ समझ गया कौन है इसके पीछे। तूने कुछ किया नहीं? मैं जाता तो मुझे भी दो चार पर जाती भाऊ। लेकिन मैं नहीं छोड़ने वाला। अब दिखाता हूँ साली को कि मैं कौन हूँ। साली नहीं भाऊ, साला, साले ने मारा इसको। सब जानता हूँ। और तेरे को बिना वजह पीटा उसने? कोई वजह नहीं थी भाऊ। उसने तो आपके माँ बाबूजी को भी चार पांच गालियां दी और मुझे भी चार पांच ठोक दी। उल्टा लगा के देता उन लोगों को। अरे उसी वक्त आपका ख्याल आ गया इसलिए हाथ रुक गया। निकल बाहर। कौन है? बुलाओ उस मोटे को बाहर। मेरे मजदूरों को पीटने वाले उस राक्षस को बाहर बुलाओ। इस टिचकुले के लिए उसके मजदूरी सब कुछ है, याद रखना। मजदूरों की आंखों में आंसू का एक बूंद भी देखता हूँ ना तो ये चूहा शेर बन जाता है। ए मिस्टर। ए खबरदार, जो मुंह खोला तो अपना, चुप करके बैठी रहे। उसको बाहर निकाल अपने भाई को, नहीं तो लात मार के दरवाजा तोड़ दूंगा। बाहर निकल यहाँ से। यहाँ से जाने के लिए नहीं आया हूँ। तेरे पति ने मेरे मजदूरों को गाली दी है, उससे मैं बदला लेके रहूंगा। उस भिखारी को मुझे घर में घुसने नहीं देना चाहिए। सलिया घुसेड़ दूंगा तेरे अंदर। एक तो मजदूरों को मारती है, ऊपर से बकवास करती है। ए मिस्टर, जो वाहियात हरकत उसने की है उसके लिए तो इतनी मार भी कम है। तेरे आंखों में डाल दूंगा ये छाता। जा बोला अपने भाई को, उससे ही बात करूंगा मैं। मैं वैसे भी औरतों से बात नहीं करता, मर्दी बात करेंगे आपस में। तो तब आना जब वो घर पे होंगे। ओए ओए, वो कूतरा घर पे नहीं है। बोल देना उसको कि कॉन्ट्रैक्टर टिचकुले उसकी हड्डी पसली निकाल के डांडिया खेलने वाला है और साथ में उसको जला के उसकी राख से पूरा गांव दंतमंजन करेगा। बोल देना उसको।
और हाँ, गांव वालों को पूछ लेना कि जिन जिन लोगों ने टिचकुले साहब के साथ पंगा लिया ना, उसको अपना परिवार देखना भी नसीब नहीं हुआ, समझे? ओ मुकंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, राम राम बोल, श्याम श्याम बोल, कृष्ण कृष्ण बोल, हरिओम। हे कृष्ण कन्हैया, मेरे मालिक, मेरे आका, मुझे आशीर्वाद दे, दे दे मेरे लाला, और कितनी परीक्षा लेगा, इस घर में मेरे साथ ही क्यों भेदभाव होता है? 3 साल हो गए, 3 साल मुझे हो गए गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट का मिले हुए लाइसेंस, 3 साल से मैं आपकी पूजा कर रहा हूं। हे गोवर्धन गिरधारी, एक एक बड़ा सा पुल का कॉन्ट्रैक्ट दिलवा दे, कम से कम अगर वो ना हो तो एक छोटा सा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स दिलवा दे। अच्छा अच्छा, वो ना हो तो कम से कम एक म्यूनसिपालिटी का बस स्टैंड ही दिलवा दे, हैं? इसी तरह कोई भी अच्छी चीज दिलवा दे। 3 साल से मांग रहा, दिया क्या है? खाली रोड और गटर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट, कैसे जीऊंगा कृष्णा, कैसे जीऊंगा मैं, खुद ही सोचो। हे कृष्ण मुरारी, अगर म्यूनसिपालिटी वाले टाइम पे मेरा बिल पास नहीं करेंगे तो मेरे मजदूरों को पैसे कैसे दूंगा, कैसे चुकाऊंगा? हे माखन चोर, कल वो मेरा असिस्टेंट नहीं है, रंगीला, 1000 रुपए ले गया मुझसे, आज बोलता है वो हपची खत्म हो गए। आप ही रंगीला को बोलो ना कि पागलों की तरह ऐसे पैसे खर्च ना करे, गरीब हूं मैं, सड़क पे आ जाऊंगा मुकंद। हाँ, एक और बात, आप मेरे मजदूरों को बोलो ना कि ऐसे राक्षसों की तरह खाना ना खाए, ये मोटे मोटे पेट हो गए उनके। बोल मुकंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, राम राम बोल, श्याम श्याम बोल, कृष्ण कृष्ण बोल, मुकंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, राम राम बोल, श्याम श्याम बोल, कृष्ण कृष्ण बोल। नहीं सुधरे गई। मुकंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, राम राम बोल, श्याम श्याम बोल, कृष्ण कृष्ण बोल, मुकंद माधव गोविंद। ये चालू हो गया सुबह सुबह, कानों में रुई ठूसनी पड़ेगी जैसे कृष्णा अभी उबाल के देगा। गले के लिए अच्छी कसरत कर रहा है बेचारा, करने दे उसको। लेकिन उसके लिए मन साफ होना चाहिए, तब जाके भगवान उसकी सुनेगा। वो समझता है उसके सबसे बड़े दुश्मन उसी के घर में है, उसका बड़ा भाई और तुम दोनों जीजा जी। गायत्री दीदी बिल्कुल ठीक कह रही है, नहीं तो अभी तक ये घर बेच नहीं दिया होता क्या? कल उस कॉन्ट्रैक्टर जैन ने इस घर का जो भाव बताया ना त्रिगुण, तो सुनता तो बेहोश होकर गिर जाता। क्या फायदा ये सब सुन के, आप ये घर बेच सकते हैं क्या? वो सबको समझना चाहिए ना, तुम दोनों बहनों के जो दादा परदादा थे वो 3 पीढ़ी पहले राजा महाराजा थे, अभी तो सबके इसके भी वांदे हैं। एक काम करो, ये पैलेस को गले में चिपका के उसके साथ भजन गाते बैठो। आप समझदार हैं, उसे समझाते क्यों नहीं? इससे भी और अच्छे अच्छे काम है मेरे पास करने के लिए, इसको समझाऊं उससे अच्छा है किसी भैंस के कान में मैं भगवत गीता गाऊं। ये मेरे साले की वजह से म्यूनिसिपालिटी की ऑफिस में मैं सर उठा के नहीं चल सकता हूँ। जितने भी काम किए हैं इसने, सबको पता है चोरी चपाटी के काम किए, और ये चाहता है मैं निरीक्षण करके सबको बता दूं कि सब अच्छा है। ये इसके बुरे काम की वजह से म्यूनिसिपालिटी इसे बिल देने को तैयार नहीं है, है? और इसने, मेरे साले ने ऊपर से म्यूनिसिपालिटी के ऊपर केस ठोक दिया है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द मेरा यहाँ से ट्रांसफर हो जाए। राम राम बोल, श्याम श्याम बोल, कृष्ण कृष्ण बोल। उसको बोलो कि पूजा पाठ बंद करे, और खाना हो तो नाश्ता तैयार है। आज वो किशन जी से 3-4 शिकायतें ज्यादा कर रहा था। माँ, भैया की पूजा दिन ब दिन लंबी होती जा रही है। भगवान ही जाने इसकी जिंदगी कहाँ जाके रुकेगी। बस मेरा बिल पास करवा दे, बाकी मैं देख लूंगा। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, हरि ओम, हरि ओम। अभी तक लोगों को बेवकूफ बना रहा था, अब भगवान के साथ भी शुरू हो गया। बस बाबूजी, एक बार शुरू हो जाता हूं तो खत्म नहीं होता, बस डूबता ही चला जाता हूं। अच्छा जी, क्या कहा कृष्ण ने, कुछ देगा?
बाबूजी मुझे आशीर्वाद दो बाबूजी। बाबूजी पैर कहाँ है? बाबूजी अरे बाबूजी मुझे आशीर्वाद। आप क्या गलत करने जा रहा है तू? मैंने बाबूजी को बोला था माँ कि एक दिन वो मेरे बारे में बहुत गर्व से बात करेंगे, और वो दिन आ गया माँ। टिचकुले एंड टिचकुले कंपनी का रोड रोलर इस घर में चलने वाला है, और जो भी लोग मुझे देख के मुंह बनाते थे वो समझ लें कि सचिन टिचकुले की शुरुआत हो गई है। बाबूजी आशीर्वाद। इससे पहले कि वो रोड रोलर पड़ा पड़ा सड़ जाए ये उसे बेच देगा तो अपना कर्जा तो चुकाएगा। आदमी की शक्ल अच्छी ना हो ना तो भगवान कहता है बातें अच्छी करनी चाहिए। अच्छा काम करने जा रहा हूँ, ऐसे टाइम पे काली जुबान का इस्तेमाल ना करे तो बेहतर है। बाबूजी मुझे आशीर्वाद दीजिए, एक मिनट आशीर्वाद दीजिए बाबूजी। पहले ले तो आप, बाद में दूंगा, फोकट में क्यों अपना आशीर्वाद बर्बाद करें। गुड थिंकिंग बाबूजी, गुड थिंकिंग। माँ 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 मेरे स्वागत के लिए आरती तैयार रखना, ठीक है? मैं रोड रोलर लेके आता हूँ। हाँ हाँ बाबा जा। ए, 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 सुन सुन सुन, सुना है नया कमिश्नर आया? हाँ। मेरे को मिलाना उससे, पूछना पड़ेगा। अरे यार तू सिर्फ अंदर जाओ, मेरी अच्छी अच्छी तारीफ कर, बस कुछ भी पूछे ना तो सिर्फ अच्छा ही बोलना बस। ओके जा अंदर। कुछ खत्ता बंदेगा? अरे मैं दूंगा ना तेरे को, जा जा। जा तेरा काम हो गया। अरे उधार है तेरे को, दूंगा दूंगा तेरे को। कॉन्ट्रैक्टर सचिन टिचकुले, कम इन। मिस्टर टिचकुले, शायद आपको मालूम होगा कि हिंदुस्तान को आजादी मिले 62 साल हो चुके, आज भी इस देश में ज्यादातर लोग गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं। पता है क्यों? तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से, जो इस देश के विकास को नीचे लेकर जा रहे हैं। इस देश की सड़कें और सार्वजनिक इमारतें आपकी जेबें भरने के लिए नहीं है। मिस्टर टिचकुले आपको बैठना है, बैठ सकते हैं। नहीं मैडम मैं बैठ जाऊंगा, आप बोलते रहिए। एमजी रोड, स्टेशन रोड, भगत सिंह रोड, वहां पे 3 पुलिया बनाई है तुमने। किसी इंजीनियर को घूस देके अपना काम करवा के अपना बिल और चेक हासिल कर लिए, लेकिन वो चेक बैंक तक पहुंचे उससे पहले एक भारी भरकम बैलगाड़ी उस पुलिया के ऊपर से गुजरी। पुलिया और बैलगाड़ी दोनों नाले में, इसीलिए हमने तुम्हारा पेमेंट रोका और तुम कोर्ट तक जा पहुंचे। तुम शायद कोर्ट में जीत भी जाओ, पर अपने दिल पर हाथ रखकर कहो तुम जो कर रहे हो क्या वो सही है? गनपुले मैडम आपको कितना वक्त हुआ सौदे पे आए हुए? इससे तुम्हारा क्या लेना देना? लेना है, अगर तजुर्बा होता तो इस तरह एक तरफा बात नहीं करती तुम। इस देश के अंदर म्युनिसिपल कमिश्नर का कोई बहुत बड़ा ओहदा नहीं होता। सुनिए मैडम ये पेन रखिए, आपको बताता हूं। पुलिया बनाने का खर्चा समझ लो 1,00,000 रुपए होता है। इसमें से 25,000 रुपए म्युनिसिपैलिटी चलाने वाली पार्टी को देना पड़ता है, 10,000 से लेकर 15,000 मुझे देना पड़ता है टेंडर अमाउंट पता करने के लिए। अगर टेंडर अमाउंट मिल गया तो दूसरे 10,000 देने पड़ते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑर्डर हाथ में लाने के लिए। बाद में कंप्लीशन सर्टिफिकेट के लिए 15,000 इंजीनियर को देना पड़ता है। बिल तैयार करने के लिए क्लर्क को 5,000 देने पड़ते हैं, और चेक पाने के लिए मुझे उतना ही पैसा अकाउंटेंट को देना पड़ता है। कुल मिला के हो जाते 75,000, और उसके बाद बचते 25,000। आप चाहती है कि उस 25,000 के अंदर मैं एक मजबूत पुलिया बनाऊं और देश का विकास करूं, और मुझे क्या मिलेगा? तंबोरा, माँ का मंगलसूत्र, पिताजी की घड़ी गिरवी रख के पुलिया बनाकर देश का विकास नहीं करना मुझे। इससे पहले कि तुम मुझे सिखाओ कि देश के नागरिक का फर्ज क्या होता है, मैं तुमको बताता हूं। बाहर जाके देखो, फाइलों का पहाड़ पड़ा हुआ है, धूल जमी हुई है उसपे। अगर उसमें से आधी भी तुम इस जन्म में क्लियर कर जाओगी ना तो पता चलेगा कि कितनों की मौत हो चुकी है और कितने तो आत्महत्या ही कर चुके हैं। अपने फायदे के लिए तुम लोग ही रिश्वत को बढ़ावा देते हो। तो फिर ऐसे लोगों को ही काम पे रखो ना जो साफ सुथरे हो, ये रिश्वत खोरों को निकालो। मैडम एक बात बताता हूँ, खाली चोर डाकू इस देश में शांति से रह सकते हैं बस। मैं तुमसे यहाँ बहस करने के लिए नहीं बैठी, तुम जो कह रहे हो उससे कोई वास्ता नहीं है मेरा। सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि म्युनिसिपैलिटी को पैसों की बड़ी तंगी है, इसलिए तुम्हें अपना केस वापस लेना चाहिए। तो ठीक है मेरा चेक निकालो, निकालो वापस दो। उसके लिए थोड़ा वक्त लगेगा, ये भूखा लंगा गुजारा कैसे करेगा? अगर ये केस वापस नहीं लिया तो ये धमकी किसी और को देना, समझे ना मैडम? सिर्फ मेरे अकेले के आदर्शवादी बनने से ये देश नहीं बदलने वाला। मैं सिर्फ अपना गुजारा कैसे करूं
उसी की चिंता करता हूँ। गुजारा करने के लिए और भी कई रास्ते हैं। तबीयत तो अभी भी अच्छी खासी है, हल चलाकर खेती कर सकते हो, कुली बन सकते हो, मच्छी बेचो। अभी तुम जो कर रहे हो उससे तो कई ज्यादा अच्छे काम है ये। बकवास मत करो, संभाल के बात करो। अपनी कुर्सी का रोग तुम मुझे मत दिखाओ, समझी ना। याद रखना, सचिन टिचकुले पीछे हटने वालों में से नहीं है। ये केस मैं आगे तक लेके जाऊंगा, जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाऊंगा। चाइला, इस म्यूनिसिपैलिटी को खोद खोद के ना तालाब बना दूंगा, उसमें तैरती हुई नजर आओगी तुम। देखते हैं। हाँ, देख लेना। ए, फाइल। ओ। भाई साहब, मेरे अकेले की फोटो लेना। अकेले अकेले खींचो, अकेले खींचो, सिर्फ अकेले। सोचते हुए ये जा रही है। हाँ। बात सुन, किसी सस्ते पेंटर को पकड़ और इसके ऊपर लिखवा टिचकुले एंड टिचकुले कंपनी का रोड रोलर। चल, और लाल पेंट है, लाल पेंट। चल चल चल। हाँ, सब फॉर्मेलिटीज पूरी हो चुकी है, अब आप रोड रोलर ले जा सकते हो। मुझे आप लोगों से परेशानी नहीं है, पर आप अपने ऊपरी ऑफिसर को बोल देना कि ऐसा टिचकुले के साथ ज्यादा खिलवाड़ ना करे। अभी देखा ना क्या हुआ, आपने खुद देखा भाई साहब क्या हुआ, कैसे ये रोड रोलर मेरे कब्जे में आ गया। उसी तरह आइंदा ऐसे किसी ने भी कुछ करने की कोशिश की तो ये सारा सारा का सारा बिल्डिंग मैं अपने कब्जे में ले लूंगा और उस पर लिख दूंगा टिचकुले एंड टिचकुले कंपनी का म्यूनिसिपल ऑफिस। ये सरकारी दफ्तर है, यहाँ शोर मत मचाओ। मैं तो सिर्फ अपनी भावनाएं बता रहा था। अबे ये भावना अपने घर पे जाके दिखा। अब ये रोलर लो, निकलो यहाँ से। टोटल जो खर्चा हुआ उसमें पुलिस स्टेशन में आपकी जमानत करवाई उसका 11,000, रिश्वत दी उसका 5,000, आगे खाने पीने का 300 रुपया, और ये तेरे बाप का है, तेरे बाप का है। भाई हटा हटा, फिर एक काम कर, गद्दा ऊपर डाल, सो जा, निकल यहाँ से, निकल निकल। टोटल बिल 8,900, चाय पानी का अलग। नारियल तोड़ने को बोला था, पीठ तोड़ने को नहीं बोला था। अरे आप बीच में है तो हम क्या करें। मैं तोड़ता हूँ, लो आप फोड़ो। अबे तेरी तो, क्या रे ज्यादा चर्बी चढ़ी तेरे को, एक दूंगा ना। मैं थोड़ा नारियल फिसल गया मेरे हाथ से। आप जाइए, नया कांच लगवा दीजिए, मैं पैसे भिजवा दूंगा थाने। जाइए चल। अरे कब्जा देखने नहीं है जीजा जी। कब्जा क्या मुजरा है जो देखने हो। ये तमाचा है उन लोगों पे जो मुझे आलसी समझते हैं। अरे आओ आओ, सब लोग आओ, कब्जा देखने आओ। देख लो आम आदमी की कैसे जीत हुई और म्युनिसिपैलिटी वालों की हार हुई। आओ। मैडम मैडम मैडम, ये ना चीज आपका रोड रोलर लेके जा रहा है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, ऐसा कोई भी इंडियन जो देशभक्त है वो अपने देश के साथ इतनी घिनौनी हरकत नहीं करेगा। मैडम यहाँ पे इंडियन कौन है? अमेरिका में जाओ तो अमेरिकन मिलेंगे, जर्मनी में जाओ तो जर्मन मिलेंगे, फ्रांस में जाओ तो आपको फ्रेंच मैन मिलेंगे, इंग्लैंड में जाओ तो इंग्लिश मैन मिलेंगे, और इंडिया में जाओ तो आपको मिलेंगे मराठी, गुजराती, पंजाबी, मलयाली, बंगाली। इंडियन कहाँ है? इस देश में सिर्फ एक ही जगह आपको देश प्रेम देखने को मिलेगा, वो है इंडिया और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच। बाकी कहीं भी आपको देश प्रेमी नहीं मिलेंगे। सबको अपनी तिजोरी भरनी है, सबको अपना पेट फुलाना है, दैट्स ऑल। गुड बाय मैडम। और हाँ, बड़े इत्तेफाक की बात है मैडम, जब मैंने म्यूनिसिपैलिटी का सत्यानाश करना शुरू किया उसी वक्त आपने अपना ओहदा संभाला, आपके हार गए और आपका नाम खराब हो गया। इसके लिए मैं आपसे बहुत बहुत माफी चाहता हूँ, हो सके तो मुझे माफ कर देना। ठीक है मैडम। अच्छा अच्छा, राम 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 राम। एक बात बताओ रंगीला। हाँ बोलो ना भाव। इस देश में ना जो लोग सही रास्ते पे चलते हैं उनका कुछ नहीं हो सकता, और जो लोग राजद्रोह, देशद्रोह, स्मगलिंग जैसे काम करते हैं लोग उन्हें हार पहना देते हैं। मुझे ताजुब नहीं होता कि इस देश में सन्यासियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। मेरे जैसे मेहनती लोग जब जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते तो कंटाल के आखिर में क्या बन जाते हैं? सन्यासी बन जाते हैं। सही कह रहे हो भाव। मैं जब 7वीं कक्षा में था तो कुछ वक्त के लिए नक्सलवादी बन गया था। क्यों? अरे हमारा हाल आप जैसा था भाव। मैंने बाप से बर्फ का गोला खाने के लिए पैसे मांगे, नहीं दिए, तो जाके सीधा नक्सलवादी बन गया। अरे बाप रे। भाऊ वाट लग गई वाट। क्या हुआ? अरे ब्याज करोड़ी मैंने देख लिया आपको, फटाफट मारो, फटाफट फटाफट।
अकेला है वो। नहीं नहीं, उसके साथ गुंडे भी है। वो देख। क्यों बेटा, थक गए साइकिल चला के? अरे कबूटे भाई, अरे करोड़ी बल जी। अरे वाह, मेरा नाम तुमको अभी तक याद है, भूले नहीं? क्या याददाश्त थे साले की, अभी तक नाम याद है। सर जी कल आप कहाँ रहेंगे? क्यों, उस तरह तू नहीं जाएगा ना? नहीं मैं आऊंगा ना वहाँ। हाँ तो क्या खास बात है? खास बात है मैं, अरे खास बात मतलब मुझे आपके देने ना 130,000 रुपए। खबरदार, तूने फिर वो सब मुझे याद दिलाया तो शर्म नहीं आती। अच्छे खासे राजघराने का है, तेरे बाबूजी जज थे। अरे उनका नाम बदनाम करने की ठान ली तूने? तू अपनी जबान पे कायम क्यों नहीं रहता पे? आप लोग चलिए यहाँ से, सेठ जी मुजरा कर रहे हैं, चलिए यहाँ से। हाँ चलो। क्या कर रहे हैं आप, आहिस्ते बात करिए ना, मेरी बेइज्जती हो रही है। मैं बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्टर। अरे मालूम है कॉन्ट्रैक्टर है। एक काम करता हूँ मैं, मुझे जैसे चेक मिलेगा मैं आपके पास आके आपको दे दूंगा। पिछली बार तूने क्या बोला था, 3 दिन में चुका हाँ। दूंगा। 3 दिन? मैं 3 महीने बोले थे। 3 दिन? मैं 3 दिन नहीं, 3 महीने बोले। 3 दिन? 3 दिन? 3 महीने बोले थे। 3 दिन बोले? अरे तू जरा छोटू बेटा, क्या बोला था? 3 दिन बोले थे? 3 महीने बोले थे ना? 3 दिन बोला था ना? 3 महीने बोले थे ना? 3 दिन? मुझे कुछ याद नहीं है। क्यों, तुम्हारे दिमाग पे बिजली गिरी थी? सेठ जी, हां सेठ जी इधर आइए। उधर क्या है? इधर आइए। इधर साले तू क्या रे? मेरे तू बोलने को होता नहीं क्या तेरे को? बेवकूफ, क्या पागल है क्या? ये लोग आपको ऐसे पैसे देने वाले हैं नहीं। मैं आपको एक आइडिया देता हूँ। हाँ बोल बोल बोल। अगले हफ्ते आपकी बेटी की शादी है। अरे तो इसके साथ शादी करवा दूँ पैसे वसूल करने के लिए? सेठ जी बात तो सुनिए, शादी है तो घर का काम तो करना है, मतलब पेंटिंग रिनोवेशन वगैरह, इसी को कॉन्ट्रैक्ट दे दो, माल मटेरियल सब उसका। जब काम होगा, पैसे लेने आएगा तो बोल दीजिए, जो मैंने उधार दिया था उसमें से काट लो, उतने पैसे वसूल हो जाएंगे। सही बोल रहा है सेठ। पहली बार अकल की बात की है तूने? चल ठीक है, आजा। ए कंगले, ए भूखे नंगे, क्या कर रहा है? अगर मैं तुमको कोई काम दूं तो करोगे? हाँ करूंगा ना, मेरे पास ऐसे छोटे मोटे वर्कर बहुत है। ठीक है। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। ऐसा कोई भी आदमी बचा है ये शहर में जिससे तुमने उधार न मांगा हो? ए उधरचंद, तुमसे बात कर रहा हूं मैं। क्या है? क्या है? मेरे चपरासी पांडुरंग से 10,000 रुपये उधार मांगे इसने, बोलो। वो बेचारे ने अपनी पूरी जिंदगी में 10,000 एक साथ नहीं देखे होंगे। उसमें बड़ी बात क्या है, मुझे तो 1,000 रुपये देखे हुए अरसा बीत गया। तो खानदान का नाम खराब करने के लिए पैदा हुआ है तू? आप लोगों ने खानदान का नाम रोशन कर लिया ना, बस। एक बात जरूर बोलूंगा, मैंने किसी से भी पैसे मांगे हो, छगन मगन लगन, पर उसके लिए आप में से किसी का नाम इस्तेमाल नहीं किया। तुम्हारा खुद का कोई नाम पता है क्या? हाँ है ना, नाम सचिन टिचकुले, पता मधुर जी मनोर राजवाड़ा, राम मंदिर, पवार गली नंबर 4, तालुका पलटन, जिला सतारा, पोस्ट बॉक्स नंबर 415523। अभी सुबह सुबह तुम लोग मेरा नाम दिमाग खराब मत करो। माँ, माँ। हाँ? उबले हुए अंडे दो मुझे, 2 चाहिए। लाती हूँ।